नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। आज की दोस्तों जो जॉब है वो निकली है ICSIL की तरफ से, यानी कि इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जिसमें कि ऑफलाइन मोड से जो है आवेदन मांगा गया है। आप इंडिया की किसी भी स्टेट से हैं तो आवेदन कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में जो है ये वैकेंसीज है। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की ये जो है वो जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है। बाद में हो सकता है आपको जो है वो परमानेंट कर दे, लेकिन फिलहाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही ये जॉब जो है रखी गई है। ऑफलाइन मोड से दोस्तों आपका आवेदन करना है। 19 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक आपकी एप्लीकेशन वहां तक पहुंच जानी चाहिए। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, और वीडियो के लास्ट में ये जरूर बताऊंगा कहां से आपको फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है, कहां से जो है वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है और कैसे जो है आवेदन करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया नोटिफिकेशन में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं नेम ऑफ द पोस्ट की। सबसे पहली जो पोस्ट है दोस्तों ये है केयर टेकर की। 136 जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जो आपको सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 15,400 के करीब। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 10वीं होना जो है अनिवार्य है, लेकिन अगर कोई जो है वो एक्स सर्विस मैन आ जाता है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन फिलहाल आप 10th के साथ भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया 136 है, जो कि कैटेगरी वाइज जो है वो बटी हुई है। उनकी डिटेल आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। एज लिमिट दोस्तों 40 साल रखी गई है, यानी कि 18 से लेकर 40 साल तक आप इसके लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट दोस्तों पीएन की, इसमें 25 वैकेंसीज हैं। सैलरी जो है वो सेम रहेगी, इसमें भी 10वीं मांगी गई है। और अगर जो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज की थोड़ी बहुत जो है वो नॉलेज है तो आपको जो है वो प्रेफरेंस दे दी जाएगी। सो आप 10th के साथ भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये भी कैटेगरी वाइज बटी हुई है। इसकी दोस्तों जो एज लिमिट है 18 से लेकर 25 साल है, इसके बीच में ही आपको जो है आवेदन करना है। इसी तरह दोस्तों अगर आप नीचे आ जाएंगे कुक के लिए, आया के लिए, इन सभी के लिए जो है वो 10वीं ही मांगी गई है। तो ये जो है आप जरूर जो है अपने हिसाब से इसको जो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों एक अटेंडेंट की जॉब है, इसमें भी 10वीं मांगी गई है और इसमें किसी भी तरह की प्रेफरेंस किसी को नहीं दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो 10th बेसिस पे ही जो है वो यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन होगी, यानी कि आपके जो है इंटरव्यू के माध्यम से। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। 25 से लेकर 40 साल तक आपकी एज जो है वो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन की। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल की, OBC को 3 साल की, फिजिकली हैंडीकैप को 10 साल की, बाकी जो है OBC में आते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको 13 साल की जो एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की। आपकी एप्लीकेशन जो ऑफलाइन मोड से आपको जो है भेजनी है 19/12 से लेके 8/1/2019 तक पहुंच जानी चाहिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस दोस्तों यहाँ पे 1000 उन्होंने जो है वो बताई हुई है, नॉन रिफंडेबल, और यहाँ पे किसी भी तरह के ड्राफ्ट की जो है वो मेंशन उन्होंने नहीं करा है। हो सकता है आपको जब इंटरव्यू पे बुलाएं तो वहाँ पे आपसे जो है वो फीस चार्ज करी जाए। फिलहाल यहाँ पे जो है कुछ नहीं लिखा है, बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर जो है वो रीड करिएगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको जो है वो कौन कौन से फॉर्म जो है वो साथ में भेजने हैं। क्लास 10th के जो है दोस्तों आपको सर्टिफिकेट जो है वो साथ में भेजना है, उसकी मार्कशीट की फोटोकॉपी। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, जब आप इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, जो जो आप यहाँ पे जो है वो फोटोकॉपी देंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी पासपोर्ट टाइप फोटोग्राफ्स। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए यहाँ पे जो है इस नोटिफिकेशन को ज़रूर जो है वो रीड करिएगा। तो अब दोस्तों ये तो होगी नोटिफिकेशन की बात, अब मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है और कैसे जो है आपको इसके लिए आवेदन जो है वो करना है। दोस्तों नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो डाउनलोड करने के लिए आपको इस लिंक पे आना है। ये लिंक मैं ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप ऊपर जो है यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट जो है वेरियस पोस्ट के लिए उन्होंने नीचे जो है वो ये लिंक दिए हुए हैं, दो, क्लिक हियर टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट और दूसरा जो है एप्लीकेशन फॉर्म। एडवर्टाइजमेंट अगर आपको डाउनलोड करनी है आपको इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है और आपकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे खुल जाएगी, आप इसको जो है वो सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों फॉर्म जो साथ में लेके जाना है जिसको फिल करना आपने, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म DSW 18 दिसंबर, तो इसके ऊपर जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसका आपको दोस्तों प्रिंट आउट ले लेना है और इस फॉर्म में जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जो आपको समझ ना आए, बड़ा आसान फॉर्म है। ये सारा फॉर्म फिल करके साथ में जो है अपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लेके जो है उसको सेल्फ टेस्टेड करके आपको जो है इनके बताए हुए जो है वो एड्रेस पे भेज देना है। इनका जो एड्रेस है वो शायद मैं मिस कर गया हूँ, लेकिन अभी मैं आपको जो है वो नोटिफिकेशन में बता देता हूँ किस एड्रेस पे आपको भेजना है। ये वाला दोस्तों एड्रेस है, आप ये देख सकते हैं फ्रंट डेस्क ऑफिस। तो यहाँ पे आपको जो है दिल्ली में जो है वो भेजना है और जॉब लोकेशन भी आपकी जो है वो दिल्ली में ही रहने वाली है। तो इस एड्रेस पे जो है आपको ये फॉर्म जो है वो भेज देने हैं और आप अप्लाई कर पाएंगे इस जॉब के लिए। सो ऐसे दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।